नमस्कार, मैं हूँ सीमा और सीमा इंडियन रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज मैं पहली बार फेस रिवील कर रही हूँ। आज से आपको मेरे चैनल पर डेली के ब्लॉग्स भी देखने मिलेंगे, तो आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल ट्राइकलर मिठाई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है पनीर, ये 200 ग्राम पनीर है, इसको घर में बनाया है। और ये शुगर पाउडर है, घर में ही चीनी को पीस करके बनाया है। और ये नारियल है 100 ग्राम, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। और ये मिल्क पाउडर है। और ये 4 से 5 इलायची, जिसको हमने कूट लिया है। और ये केसरिया फूड कलर है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर। तो चलिए हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है मिक्सी का जार, और उसमें हम पनीर को तोड़ तोड़ करके डाल लेंगे। और हम इसमें मिल्क पाउडर को भी ऐड कर लेते हैं, और अच्छे से पीसकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, हमने इसको मिक्सी में दोनों चीज़ को मिक्स कर लिए हैं। और ये देखिए, इस तरह का हमारा फाइन पेस्ट चाहिए। तो अब हम यहाँ पे गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, गैस ऑन कर देते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालेंगे, बस हमें इतना ही डालना है। तो ये देखिए, घी हमारा मेल्ट होने लगा है। तो यहाँ पे हम पेस्ट को डाल देते हैं और अच्छे से इसको भूनेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। हमें इसे अच्छे से भूनना है। हमारा मिक्सचर अच्छे से भून गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं शुगर पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और चलाते रहेंगे। ये देखिए, शुगर पाउडर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम नारियल का पाउडर, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, नहीं तो हमारा मिक्सचर जल जाएगा। तो नारियल का पाउडर हमारा मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं, और इसे अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो मिठाई का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे 3 पार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको 3 कलर रखना है। अब हम यहाँ पे 2 पार्ट को अलग अलग कटोरी में रख लेंगे, और 1 पार्ट को हम कढ़ाई में ही छोड़ देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे केसरिया कलर, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कलर हमारा थोड़ा कम पड़ गया है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और कलर को ऐड कर लेंगे, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। कलर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है। अब हम इसे अलग कटोरी में निकाल लेते हैं, और हम दूसरा पार्ट को रेडी करते हैं। अब हम यहाँ 2nd पार्ट को भी कढ़ाई में डाल लेते हैं, और इसमें हम ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे। और कलर को हम थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे, नहीं तो हमारा कलर ज़्यादा हो जाएगा। कलर हमारा कम पड़ रहा था, तो यहाँ पे हम फिर से थोड़ा सा कलर ऐड कर लेते हैं, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो हमारा ग्रीन कलर में लाइटिंग नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे हम येलो फूड कलर ले लिए थोड़ा सा, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर से हम येलो कलर ले लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस कलर से हमारी ग्रीन कलर की लाइटिंग अच्छी आएगी। मिठाई का दूसरा पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। इसे अब हम अलग कटोरी में निकाल लेते हैं और अब हम तीनों कलर को लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग करने के लिए हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है। केसरिया कलर वाले पार्ट को हम कंटेनर में ले लेते हैं और इसको हम अच्छे से फैला देंगे। और ये आपको येलो कलर दिख रही होगी, शायद कैमरे की वजह से ऐसी लग रही है, पर हमने यहाँ पे केसरिया कलर का यूज़ किया है। केसरिया कलर को हमने अच्छे से फैला दिया है और हम यहाँ पे अब वाइट कलर को कंटेनर में ले लेते हैं और इसे अच्छे से फैला देंगे और थोड़ा दबा दबा करके फैलाएंगे। वाइट पार्ट की लेयरिंग हमारी अच्छे से हो गई है, तो अब हम यहाँ पे ग्रीन पार्ट की लेयरिंग करेंगे। ग्रीन पार्ट को भी हमने ले लिया है और इसको भी हम अच्छे से फैला लेंगे और थोड़ा दबा दबा करके अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए, तीनों कलर की लेयरिंग हमारी अच्छे से हो गई है और हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। तो ये देखिए, हमारा 1 घंटा हो गया है और यहाँ पे हम एल्युमिनियम फॉइल से रैप किए थे। आप यहाँ कोई भी ढक्कन से ढक सकते हैं। और ये देखिए, हमारा मिठाई सेट हो गया है। अब हम इसे एक ट्रे में पलट लेते हैं। इसे हम टैप करके अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मिठाई हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। हमारा मिठाई अच्छे से सेट हो गया है और ये तीनों कलर हमारा उभर कर आ रहा है और बहुत ही सुंदर कलर आया है। हमने मिठाई को अच्छे से कट कर लिया है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, तीनों कलर हमारा अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए, मिठाई हमारी कितनी अच्छी बनी है और बहुत सुंदर दिख रही है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, तीनों कलर हमारे बहुत ही अच्छे आए हैं। आज हमने इंडिपेंडेंस डे पे यही मिठाई बनाया है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, और मिठाई को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई नई रेसिपी जाननी हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।